हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले इससे पहले वाले वीडियो के लिए आप सबको दिल से थैंक यू। आप सब ने बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स किए और मुझे बहुत प्यार से समझाया। हाँ, मुझे फील होता है जैसे मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी छोटी बड़ी बहन हूँ। और सच में आप सबके कॉमेंट्स पढ़कर ना मुझे बहुत खुशी होती है। उस केक को लेकर मैं थोड़ी सी अपसेट थी, क्योंकि जब अभी मैंने 3 डेज़ का ब्रेक लिया था, जब मेरा एग्ज़ाम था, तो तभी मैंने उस केक को बनाया था। उसके बस 2 दिन बाद ही मेरा पेपर था, तो बस वही मुझे लगा मेरा टाइम वेस्ट हो गया, तो मैं थोड़ा सा अपसेट हो गई थी। बट जब मैंने वीडियो अपलोड किया और आप सबके प्यारे प्यारे से कॉमेंट्स आए, तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं आपको आज के ऑर्डर के बारे में बता देती हूँ। तो आज मुझे 6 छोटू छोटू से केक बनाने हैं, नेम लेटर्स वाले। ठीक है, कस्टमर ने फ्लेवर का आप अपने से रखिए और केक का कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ आप अपने से रखिए। बस केक पर जो नाम लिखना है, गौरव लिखना है। और मिनी साइज़ के केक बना रही हूँ मैं, तो चलिए फटाफट से अभी केक का बैटर बनाते हैं, उसके बाद हम इस केक को भी डेकोरेट करते हैं। तो OTG मैं अगारो का यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पर इसे मैंने 10 मिनट्स के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया है। और अभी मैंने बैटर बनाने के लिए लिया है जो प्रीमिक्स, वो है डिलीशियस का एगलेस प्रीमिक्स। मैं जैसे एरिया पर रहती हूँ ना, मुझे कोई भी चीज़ ईजिली नहीं मिलती है और केक डेकोरेशन की चीज़ें भी मुझे ऑर्डर्स देकर मंगानी पड़ती है। इसी तरह प्रीमिक्स भी मैंने 5 kg का परचेस करती हूँ जब मैं, तो मुझे कभी ट्रॉपोलाइट मिलता है, कभी प्रिस्टीन मिल जाता है, कभी डिलीशियस मिल जाता है। तो ये तीनों प्रीमिक्स ही मैं यूज़ करती हूँ, टेस्ट तीनों का ही अच्छा होता है। आज मुझे 6 केक बनाने हैं 250 ग्राम्स के। मैं आपको लास्ट में केक्स मेजर करके भी दिखाऊँगी उनका वेट। 250 ग्राम के नीचे कोई नहीं होगा, सारे केक उससे ज़्यादा ही होंगे। और यहाँ पर मैंने 2.5 का प्रीमिक्स लिया है। आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए केक का बैटर बनाना है, रिबन कंसिस्टेंसी का। बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है, एकदम परफेक्ट बैटर बनाना है। और यहाँ पर फिर मैंने 8 इंच का स्क्वायर शेप का केक टिन लिया है, उस पर मैं सारा बैटर ट्रांसफ़र कर दूंगी। और प्रीमिक्स में मैंने आपको बताया था, बस आपको जिस भी फ्लेवर का केक बनाना है इसे ऐड करना होता है। और 1 कप में मैं नॉर्मल घर वाले स्पून से ना 2 स्पून ऑयल ऐड करती हूँ। तो आप जितने भी कप प्रीमिक्स ले रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दीजिए और ऊपर से हल्का सा स्पैचुला घुमा दीजिए ताकि केक इवन फूल कर रहेगा। और 3 से 4 बार टैप टैप करके प्री हीटेड ओवन में रख दीजिए। टेम्परेचर मैंने 180 डिग्री पर लोअर रॉड ऑन की थी और 35 मिनट्स का सेट किया था, बट मेरे साथ ना पचका हो गया था, लाइट बंद हो गई थी बीच में, तो थोड़ा सा जो टेम्परेचर है ना वो ऊपर नीचे हो गया था और केक बीच में हल्का सा सिंक हो गया था, बट एकदम परफेक्ट बेक हुआ था। उससे पहले मैंने एक राउंड शेप पर ना ऑर्डर वाला भी केक बेक करके रखा था और मुझे लग ही रहा था कि उस स्पॉन्ज से भी एक लेयर मेरी इसमें यूज़ हो जाएगी। क्योंकि आज जब जैसा मैं केक बना रही हूँ ना, कभी आपके पास बहुत सारे केक के ऑर्डर आ गए हैं छोटू छोटू से, तो आप मतलब अलग अलग स्पॉन्ज बेक मत करो, आप एक बड़ा सा स्पॉन्ज बेक करो और फिर उसकी लेयर्स करके कटोरी से कट करके आप छोटे छोटे से ना लेयर्स निकाल लो। और क्रीम भी मैंने एक पैकेट पूरा निकाल दिया था ताकि वो मेल्ट हो जाए। और अभी मैंने उसे स्टैंड मिक्सर पर सेट कर दिया है, तो अभी क्रीम बीट हो रही है और मैंने जो बड़ा सा केक बेक किया है ना उसे मैं डीमोल्ड करूंगी। और मेरी पूरी कोशिश है कि इससे मैं 4 लेयर्स निकालूंगी और फिर उन 4 लेयर्स से भी मैं 3 लेयर्स निकालूंगी। तभी आप देखिए मैं कैसे करती हूँ। और ये सारा काम बिना मैं रात में ही कर रही हूँ 12 बजे के बाद, क्योंकि मेरा फिक्स है, जब भी मुझे बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं ना, मैं कभी दिन में काम नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर चीज़ें बार बार हटानी रखनी पड़ती हैं, किसी को निकलना है तो बार बार टेबल हटाओ रखो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं रात में ही आराम से सारा काम अपना करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे बहुत तेज नींद भी आ रही थी, तो अभी मैं बढ़िया सी चाय भी बनाऊंगी अपने लिए, चाय पीऊंगी, उसके बाद फिर आगे का काम करेंगे। और मुझे कमेंट करके बताना आप में से किस किस को चाय पीना बहुत पसंद है। तो देखिए यहाँ पे क्रीम भी विप हो गई है बढ़िया से, अभी मैं इसे ढककर फ्रिज पर रख दूंगी, तब तक ये और भी ज़्यादा सेट हो जाएगी। और अभी मैं खुद के लिए चाय बनाने लगी हूँ, क्योंकि मुझे सच में इस केक को बनाते टाइम ना इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, मतलब लग रहा था कि यार मैं बस सो जाऊँ, मुझे कुछ ना करना पड़े। और इससे पहले जब मैंने खाना खाया था ना, तो मैं थोड़ा देर के लिए रेस्ट कर रही थी, तो मेरी आँख भी लग गई थी। फिर मैंने खुद को बहुत मोटिवेट किया, नहीं नहीं उठो, केक बनाना है भाई, सुबह कस्टमर को देना है कैसे भी करके। तो फिर मैं उठी, फेस वॉश किया और फिर मैंने आधा काम किया, फिर मुझसे नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने खुद के लिए चाय बनाई। और चाय बनने की जो खुशी होती है ना, मतलब वो एक तरफ ही होती है, मतलब मैं तो भयंकर वाली चाय लवर हूँ।
और ग्रीन टी, ब्लैक टी और कॉफ़ी, ये सब एक तरफ, और चाय जो है वो एक तरफ। आप सब भी मुझे कमेंट करके बताना मेरी तरह किस किस को चाय पीना बहुत पसंद है। और ये देखिए इतने बड़े बर्तन में मेरी इतनी सी चाय बन गई, आप लोगों को दिख भी नहीं रही होगी। और मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता, मतलब मुझे कप नहीं मिल रहा था भाई, मैंने छोटी सी ग्लास पर फिर अपनी चाय को छान लिया और अभी मैं चाय पी रही हूँ। और सच में इतनी बढ़िया चाय बनी थी ना, और रात में 2 बजे चाय पीना, ऐसे उल्टे सीधे काम ना मेरी तरह कुछ ही लोग करते होंगे। कभी नींद को भगाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। और सच में चाय पीने के बाद ना एक अलग ही एनर्जी आ गई थी, मतलब दूर दूर तक मुझे नींद नहीं आ रही थी। और सुबह 6 बजे तक मैंने केक बनाया था, पूरे 6 केक बनाने में ना सच में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। मतलब आप सोच सकते हो मैंने रात में 12 बजे से केक बनाना शुरू किया था, सुबह 6 बज गया था। एक एक केक को बार बार उठाना, फ्रिज में रखना, निकालना, मतलब इन्हीं सब चीज़ों में ना बहुत टाइम लग गया था। तो देखो कभी आपके पास इस तरह से बड़े ऑर्डर्स आते रहे तो आप भी मेरी तरह चाय पी करना ऑर्डर्स कंप्लीट कर सकते हो। और इस तरह से आप छोटे छोटे केक बेक मत करो अलग अलग, आप एक बड़ा स्पंज बनाओ और मैंने जिस तरीके से आपको कट करके दिखाया है उस तरह से कट कर लो। और देखो यहाँ पर मैंने ना 6 केक के लिए सारी लेयर्स निकाल ली है, और मुझे इस केक से थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ गई कि भाई एक लेयर दे दे, थोड़ा सा कम पड़ रहा है। तो इससे भी मैंने फिर एक लेयर निकाल ली थी, फिर मैंने बाद में एक छोटी सी लेयर और बेक की थी और फिर इस केक पर लगाया था। तो यहाँ तक अभी इतना काम हो गया, मैंने 3 लेयर्स के ना 6 सेट बना लिए हैं। और अभी हम एक एक करके सारे केक्स को आइसिंग करेंगे। और जो आप मेरा छोटू सा केक देखते हो ना हमेशा, वो उसका वेट भी लगभग ऐसा ही होता है, 300 ग्राम्स तक का वो केक देती हूँ मैं 160 में बना करके। तो आज के जो केक है ना, ये सारे कस्टमर ने कहा है 250 ग्राम्स तक के आप कर दीजिएगा, बट तो मैंने उसी हिसाब से ना छोटी छोटी सी लेयर्स कट की है। लास्ट में मैं आपको मेज़र करके दिखाती हूँ कि ये केक कितने ग्राम्स के बने। तो पहले मैंने सोचा कि मैं सारे केक्स को ना व्हाइट क्रीम से आइसिंग करूंगी, फिर उसके ऊपर कुछ कलरफुल बना दूंगी। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस तरह का तो मैं बना चुकी हूँ, जब मेरे पास फर्स्ट नेम लेटर केक का ऑर्डर आया था ना निवी नाम का, तब मैंने बनाया था। तो इस बार मैंने सारे केक को ना कलरफुल क्रीम से आइसिंग की है, बस एक को ही वाइट रखा है, और उसे भी मुझे कलरफुल ही कर देना चाहिए था, बट ठीक है मैंने इसे वाइट कर दिया था। और उसके ऊपर फिर मैंने वाइट क्रीम से डेकोरेशन की है और गौरव नाम लिखा है। देखिए केक बनाना ना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बहुत बड़ा तीर मारने जैसा नहीं है। आप यदि हाउसवाइफ हो या आप मेरी तरह होम बेकर बनना चाहते हो ना, तो आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हो घर से ही, बहुत कम चीज़ों से। धीरे धीरे फिर आप इसको आगे बढ़ाइए जब आपके ऑर्डर्स आने लग जाए। आप में से कई सारे लोग मुझसे काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। आप सब जानते हो मैं जो भी सीखती हूँ, बिगाड़ती हूँ, बनाती हूँ, वो आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि मेरा जो एक्सपीरियंस है ना उससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। और एक और एडवाइस आप लोगों को दूंगी, जब मैंने यूट्यूब पर अपना चैनल ओपन किया था ना, तब मेरे पास 135 सब्सक्राइबर्स ही थे, तब भी मेरे पास ऑर्डर्स आते थे बट बहुत कम आते थे, लोग जानते हुए भी ऑर्डर्स नहीं देते थे। बट अभी ऐसा है मेरे साथ कि मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि यूट्यूब पर मुझे आप लोगों से इतना प्यार मिल गया है, आप लोगों ने मुझे इस जगह पर पहुंचा दिया है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास आज इतने सारे ऑर्डर्स आने की सिर्फ एक ही वजह है, वो है यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब के थ्रू ही मुझे हर कोई जान पा रहा है और हर कोई मुझे ऑर्डर्स दे पा रहे हैं। वरना इससे पहले मैं हर किसी को बताती, एक दो लोग को मैं बता देती थी कि हाँ ठीक है मैं केक बनाती हूँ, आप मुझे ऑर्डर्स दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैं हर जगह तो नहीं बोलने जाती थी कि नहीं आप मुझे ऑर्डर दो, मैं केक बनाती हूँ, और फिर लोग नहीं देते हैं। सीधी सी बात है, लोग बेकरी से लेना सीधा पसंद करते हैं। बट अभी यूट्यूब पर जब से आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया है, दूर दूर तक हर कोई मुझे जान रहा है, तो सब लोकल एरिया पर भी लोग मुझे ऑर्डर्स देते हैं, और सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। तो बस वही आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ कि आप लोग केक बनाना सीखें, और फिर जब धीरे धीरे आपको लगे कि हाँ अभी आप आइसिंग वगैरह परफेक्ट करने लग गए हैं, तो आप यूट्यूब पर अपना एक चैनल क्रिएट कीजिए और उस पर अपनी केक की वीडियोस अपलोड कीजिए। पर यदि आप किसी कस्टमर को बोल रहे हैं कि आप केक बनाते हैं ना, तो आप उन्हें इस तरह भी बोल सकते हैं कि मेरे यूट्यूब पर चैनल है, आप डिज़ाइंस भी देख सकते हैं और मैं एक होम मेकर हूँ, ऐसे करके आप उन्हें बता सकते हैं। और यदि यूट्यूब पर आपको प्यार मिल गया लोगों का, तो फिर तो भाई आप कुछ नहीं कह करना है, फिर आपके पास ऑर्डर्स चल के आएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सबसे छोटे वाले स्टार नोजल का यूज़ किया है, उससे ही एक एक लेटर भी लिख दिए हैं केक पर, और नीचे बॉर्डर दे दी है, और ऊपर भी डिज़ाइन बना दिया है व्हाइट क्रीम
से। और आप देख सकते हो मैंने रात में काम करना शुरू किया था और अभी आप देखो सुबह हो गई है, बाहर उजाला भी हो गया है और एक एक लेटर पर इस तरह से फिर मैंने अंदर ब्लैक कलर का न्यूट्रल जेल बनाकर फिल कर दिया है। तो देखो आपको भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको अपने ऑर्डर्स को टाइम पर कंप्लीट करके देना पड़ेगा, अपना बेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, गलतियाँ होंगी, मुझसे भी होती हैं, आप सब जानते हो अभी भी होती है और मैं धीरे धीरे उसको सुधारती हूँ आप सबके साथ शेयर करते हुए भी। उसी तरह से आपको भी करना है और ऑर्डर्स लेने हैं, ऑर्डर्स टाइम पर कंप्लीट करने हैं और अपना बेस्ट देना है। पता है आप लोगों को केक बनाने में तो जितना टाइम लगता है वो तो ठीक है, बट साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है क्योंकि हम साथ में वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, तो आधा ध्यान हमारा केक पर होता है, आधा ध्यान वीडियोस पर होता है कि सही से बना है या नहीं बना है। तो उस वजह से ना हर वीडियो रिकॉर्ड करने में यदि आधे घंटे का समय लगना है तो उस पर एक घंटे लग जाते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं आपको एक एक केक वेट करके दिखा रही हूँ, 280 ग्राम, 278 ग्राम, 282 ग्राम और एक तो 300 ग्राम का था। इसी तरह के सारे केक जो है वो 250 ग्राम के ऊपर ही है। और यहाँ पर मैंने सारे केक्स को 840 चार्ज किया है, 140 पर केक। और यहाँ पर मम्मी भी सुबह उठ गई है, सुबह की चाय फिर से बन गई, अभी मैं फिर से चाय पीऊँगी। आज का वीडियो कैसा लगा आप सबको मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक चैन सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैंने सारे केक्स भी पैक कर दिए हैं और कस्टमर को सही से टाइम पर दे भी दिया था और कस्टमर को सारे केक बहुत पसंद भी आए थे। कुछ बटरस्कॉच फ्लेवर पर थे और कुछ पाइनएप्पल फ्लेवर पर थे। तो बस इस तरह से मैंने ऑर्डर को कंप्लीट किया और सारी आप सबके साथ भी बातें शेयर कर दी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक चैन सब्सक्राइब। मिलती हूँ जल्दी, हर हर महादेव।